हेलो दोस्तों, आज हम मोदक बनाने जा रहे हैं। मोदक बनाने के लिए हमने इधर दूध की मलाई ले ली है, एक कटोरी। हमने मलाई को फ्राई पैन में डाल दिया है, हम इसको गरम करेंगे। अभी देखिए ये गरम हो गया है। अगर आप दूध इसमें थोड़ा से डाल देंगे, अब इसको हम गाढ़ा करेंगे अच्छे से, जब तक ये 2 से 3 मिनट लगेगा। अभी देखिए गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद ये दूध थोड़ा पतला हो जाएगा, हमें इसको थोड़ी देर के लिए और गाढ़ा करना पड़ेगा। अभी देखिए एकदम से गाढ़ा हो गया, खोया बनके तैयार हो गया है अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे, हमने निकाल के रख लिया है। फिर हमने फ्राई पैन में घी डाल दिया, घी गरम हो गया है। अब इसमें हम एक कटोरी सूजी डाल देंगे। सूजी को हम अच्छे से भूनेंगे, इसे हमें 2 मिनट तक एकदम स्लो आंच पे भूनना है, जब तक ये कलर ना चेंज हो जाए। देखिए अभी कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। देखिए अभी इसको हम जब तक अच्छे से ये पूरा सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसको मिक्स करते रहना है। दूध थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि जिससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगी सूजी। अभी हम इसमें थोड़ा से और चीनी डालेंगे सूजी में। ऊपर से 1 चम्मच घी डाल देना है। घी डालने से क्या है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अभी देखिए कितना अच्छे से चीनी, घी, सूजी सब मिक्स हो गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे से मिला मिला के। गैस को बंद कर देना है। अभी देखिए कितना अच्छा डो बन के तैयार हो गया है। हमने इसमें नारियल का बुरादा, काजू, बादाम, जो हमने खोया बनाया था उसमें मिक्स कर दिया है सारा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि जो ये खोया है इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी मोदक बनके तैयार होगा। अभी हमने इसमें थोड़ा सा नारियल डाल दिया है। अब इसको हम भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें इसमें मिल्क पाउडर एक भी नहीं डाला है क्योंकि हमने खोया से बना रहे हैं। अब हमने सूजी लेके इसका छोटा से बॉल बना लिया है। देखिए अब इसको हम चिपटा करके इसमें जो खोया है उसको हम डालेंगे थोड़ा से अंदर। इसको डालने के बाद हमें किनारे से साइड साइड से इसको थोड़ा गोल कर देना है। गोल करते हुए हम इसको इकट्ठा करेंगे ऊपर थोड़ा, और इसको हमें हाथ की सहायता से पूरा एक गोल कर लेना है, जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं। अभी देखिए हम इसको साइड से थोड़ा से पतला कर देंगे, शेप दे देंगे मोदक का। हम इसको हाथ से बना रहे हैं, बिना सांचे वाला मोदक है। अभी देखिए कितना अच्छा मोदक बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम डिजाइन के लिए हमने ये इसके लकड़ी की सहायता से देखिए पतला पतला डिजाइन बना के तैयार कर दिया है। कितना अच्छा लग रहा है मोदक। ऐसे हम सारा मोदक बना के तैयार कर लिए, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा नारियल कलर वाला है इसको डाल देंगे। इसको डालने से और इसका अच्छा लगेगा देखने में। देखिए हमने मोदक बना के तैयार कर दिया है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।